ये क्या चीज़ है, जैसे कि नाम से जाहिर है, अफिनिटी। अफिनिटी का क्या वजूद है? अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। अलग होना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्योंकि हमने क्या करना है, एक अपना एटम लेना है और एटम के वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दाखिल करना है। ऑलरेडी उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ना वो ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ भेजना है। जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे ना वहाँ, तो अब देखना है कि हमारा न्यूक्लियस जो है उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, वो आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या अफिनिटी रखता है। आमतौर पे जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, आमतौर पे जो हमारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स, जिनके पास वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले से एक या दो खाली जगह होती हैं, एक या दो वैकेंसीज होती हैं नॉन मेटल्स, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आसानी से एड अप कर लेती हैं। और ऐसा करते हुए चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप होती हैं, लिहाजा एनर्जी आम तौर पे खारिज होती है। एक इलेक्ट्रॉन जब भी एक्स्ट्रा आएगा तो एटम उसको एडजस्ट करेगा, न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करेगा उसको, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो आम तौर पे रिलीज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या असल में? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी असल में एनर्जी है। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो आमतौर पे वन इलेक्ट्रॉन अगर जज़्ब हो तो रिलीज होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दाखिल किया जाए किसी एटम में, और एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस और आइसोलेटेड, यानी जो शरायत हमारी आयनाइजेशन एनर्जी वाली थी ना वही यहाँ पे भी है। एटम किसी एलिमेंट का होना चाहिए जो बिल्कुल अकेला हो, गैसियस हालत में हो। अब हमने उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, बल्कि उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड अप करना है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड अप करेंगे तो आमतौर पे एनर्जी की मिकदार जो है वो रिलीज हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मिसाल के तौर पे फ्लोरीन है, एक नॉन मेटल है, छोटा सा एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस शेल में है, एक की इसको जरूरत है, एक वैकेंसी मौजूद है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, अपने आखिरी शेल में एड अप कर सकता है, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन। और ये फ्लोरीन जो है ये किस स्टेट में होना चाहिए, गैसीय स्टेट, तो फ्लोराइड आयन बन जाएंगे। इस दौरान जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, कितनी होगी, -337 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी रिलीज होगी। अब क्या एनर्जी हर दफा रिलीज ही होती है? मैंने बताया आम तौर पे जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाए नॉन मेटल्स में, वन इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आम तौर पे माइनस साइन रखती है, लेकिन अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन आप ऐड अप करेंगे, अब एनर्जी मजीद रिलीज नहीं होगी, अब एनर्जी रिलीज होने की बजाय अब्सॉर्ब होगी। तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या मौजूद है, डेफिनेशन में मौजूद है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन ए गैसियस आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये वाली जो मिसाल है, चूंकि फ्लोरीन के पास एक ही वैकेंसी थी इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन जज्ब किया, एनर्जी उसने खारिज की। आगे देखते हैं मजीद कोई दूसरी मिसाल कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक नहीं बल्कि दो एटम हो जाए। अब दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एटम नहीं होंगे, स्टेप वाइज होगा ये काम, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा और फिर बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास बुक में मौजूद है वो है ऑक्सीजन। तो जी हमारे पास है ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन आपको पता है कि छठे ग्रुप के साथ अलग है इसका, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस शेल में, मजीद इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, यानी इसके पास वैकेंसीज जो है वो आउटरमोस्ट शेल में कितनी है, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड अप कर सकते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया थी हमने, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। इस दौरान एनर्जी जो है वो खारिज होगी, -141 किलो जूल पर मोल।
जो ही आप इस माइनस वन वाले ऑक्सीजन में, जो कि यूनि नेगेटिव आयन है, इस यूनि नेगेटिव आयन में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो कि इसकी जरूरत है, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो इलेक्ट्रॉन इसको कितने चाहिए, दो चाहिए, तो ये यूनि नेगेटिव आयन है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड अप करेंगे, अब एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी बल्कि क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी और ये बन जाएगा हमारा O2 माइनस, और इस सूरत में एनर्जी जो हमारे पास जो है वो जज़ब होनी है प्लस में 780 किलो जूल पर। ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, ये किस तरह से शो हो रही है, पॉजिटिव फिगर में आ रही है। सेकंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमारे पास आ रही है पॉजिटिव, इसकी क्या वजह है, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेकंड वाली, पहले वाली नेगेटिव है, दूसरे वाली पॉजिटिव है, और ये हमने देखना है कि ऐसा क्यों है, ये एक्सरसाइज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है, पेपर में रिपीट होता है बोर्ड के पेपर में, इसका जवाब भी उधर ही साथ ही लिखा हुआ है नीचे, जरा समझ लें इसको बात, कहते हैं व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन ए यूनि नेगेटिव आयन, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को यूनि नेगेटिव आयन में एड अप करते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज विल रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और आपको मैं बता चुका हूं कि जब अट्रैक्शन डेवलप होती है तब एनर्जी रिलीज होती है, और जब रिपल्शन डेवलप होती है तब एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, क्योंकि यहां पे रिपल्शन होगी यूनि नेगेटिव चार्ज जो पहले से मौजूद है उसमें, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से एनर्जी अब क्या होगी, अब्सॉर्ब, तो एनर्जी की अब्सॉर्बेंस हो रही है, सेकंड वैल्यू माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, इसकी वजह क्या है, रिपल्शन, इसकी वजह क्या है, रिपल्शन, ऑलरेडी मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है जो कि पहले इलेक्ट्रॉन ने पैदा किया था, ऑलरेडी मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसके नतीजे में एनर्जी हमारी जो है वो रिलीज होने की बजाय क्या होनी शुरू हो जाएगी, अब जा रही है। तो जी ये हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जाना कि ये क्या चीज़ है, ये एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, एनर्जी है, और इस दौरान नेगेटिव आयन बनता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी एनर्जी थी लेकिन उस दौरान क्या बनता था, पॉजिटिव आयन, ये बनता है जनाब नेगेटिव आयन, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमारी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एड अप हो जाए किसी गैशियस आइसोलेटेड एटम में टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी, क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसकी जनाब वैल्यू है, याद करनी है आपने, और एक बड़ा अहम हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखा, व्हाई सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, ऐसा क्यों है, पॉजिटिव क्यों, उसका जवाब हमने पढ़ा, उसको समझा हमने, तो जी फैक्टर्स देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी चीज है, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे असरअंदाज होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कम या ज़्यादा करते हैं, तो बड़ा फैक्टर हमारे पास कितने हैं, वैसे ही फैक्टर उतने ही हैं जितने कि हमारे आयनाइजेशन एनर्जी वाले थे, आयनाइजेशन एनर्जी में कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते थे, एटॉमिक साइज, यहाँ पे भी और कौन असरअंदाज होगा, एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हमारा शील्डिंग इफेक्ट, ये सारी बातें उसी तरह से असरअंदाज होती है। छोटा सा उसने उसूल बयान किया, ये इक्वेशन लिखने के बाद नीचे वो फैक्टर्स लिख रहा है और साथ छोटा सा उसूल बयान कर रहा है, उसूल क्या बयान कर रहा है, कह रहा है जी अगर आपके पास आपका एक एटम ऐसा है, एटम ऐसा है जिसका साइज जो है वो क्या है, स्मॉल, साइज क्या है, बिल्कुल छोटा, और उसके वैलेंस शेल में एक या दो क्या है, वैकेंसीज, साइज एटम का क्या है, छोटा, और वैकेंसीज कितनी है, एक या दो, उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी ना वो ज्यादा होगी। अब
और से जरा सोच के बताएं मुझे, आप एक पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वालों का साइज बड़ा होगा ये राइट वालों, लेफ्ट वालों जो जो आप राइट जाएंगे साइज क्या होता जाएगा छोटा, तो छोटे एटम जो होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी ज्यादा, जो ही आपने पीरियड में मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या होना है इंक्रीज कर दी जाएगी। आपको पहले भी बताया है कि आमतौर पे नॉन मेटल्स ऐसा करती हैं, ये भी चीज हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इस वाली साइड पे ज्यादा होती हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे हमारी नॉन मेटल्स होती हैं और लेफ्ट साइड पे हमारी क्या होती हैं मेटल्स। तो बात बड़ी वाजे है, इसका अगला जो पॉइंट है हमारा वो ट्रेंड है और ट्रेंड बड़ा ही आसान है। ट्रेंड का मतलब ये है कि हमने देखना है ग्रुप में इसको क्या होता है और पीरियड में क्या होता है, बड़ी आसान सी बात है। पीरियड में जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो रहा है उसके अंदर वैकेंसीज जो है वो कम हो रही है थोड़ी हो रही है, जो जो आपने इधर को जाना है वैकेंसीज आपकी पूरी होती चली जाएगी। अच्छा, और ग्रुप में जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम फिर क्या होगा, नॉन मेटल का ग्रुप है उसमें आप मूव करो टॉप टू बॉटम अब क्या होगा, अब कौन सा फैक्टर एटॉमिक साइज क्या करेगा इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी गौर से अगर देखा जाए तो ये भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की मेजरमेंट है फॉर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को मेजर किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की क्या अट्रैक्शन, ये उसी की मेजर। तो न्यूक्लियस हमारा जितना स्ट्रांग होगा साइज एटम का जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। एंड पे समरी अगर करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी वही ट्रेंड है जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेम, दोनों का ट्रेंड दोनों के फैक्टर भी सेम, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन खारिज करके देखते हैं कि न्यूक्लियस ने कितना जोर लगाया भाई, और यहाँ पे एड अप करके देखते हैं कि न्यूक्लियस ने कितना आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ये वाली सारी बात। इस वाले टॉपिक को आप जरा एक नजर पढ़ लें, इसमें से कुछ